विकासखंड पिपरौली के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनौड़ा में आज बसपा नेता व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समरपाल सिंह तथा प्रधानाचार्य दिग्विजय सिंह के द्वारा मार्च से लेकर मई तक 76 दिन का एमडीएम कराक्षण 142 बच्चों में वितरित किया गया, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल के नौनिहालों को 5.1 किलो चावल, 2.3 किलो गेहूँ और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नौनिहालों को 7.6 किलो चावल और 3.8 किलो गेहूँ वितरित किया गया। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। एसएसपी के निर्देश पर संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति व बिना मास्क पहने व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए थानाध्यक्ष बेलघाट निर्भय सिंह, उप निरीक्षक राकेश सिंह, कांस्टेबल प्रीतम कुशवाहा, कांस्टेबल देवेंद्र यादव एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन क्षेत्र में किसान कोरोना के साथ ही छुट्टा मवेशियों से जूझ रहे हैं। प्रशासन की तमाम कवायदों के बाद भी किसानों को छुट्टा मवेशियों से मुक्ति नहीं मिल पाई। हड़ताल, मेहनत के बूते, धरती का सीना चीर अनाज उगाने वाले किसानों के खेतों में बेसहारा मवेशी का जबरदस्त तांडव हो रहा है। झुंड के साथ खेतों में फसल छट करने वाले मवेशियों पर ना तो कोई कानूनी डंडा चलता और ना ही इस नुकसान की भरपाई हो पाती है। ऐसे में किसान दोहरा नुकसान झेलने को विवश है। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।